एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती को लेकर किया बड़ा खुलासा। बता दें कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर मुसलमानों को लेकर राजनीति नई नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल खुद को उनका हमदर्द बताते रहते हैं, लेकिन इन सभी दलों में असली हमदर्द कौन है, इसे लेकर एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राय अलग है। ओवैसी का मानना है कि सभी दलों ने अल्पसंख्यकों का बंटा धार किया है। एक कार्यक्रम में जब हैदराबाद सांसद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और मायावती में अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है, इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी ने अल्पसंख्यक समाज का बस बेड़ा गर्क किया है, किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, तो किसी ने मुशायरे और कव्वाली कराकर। अखिलेश यादव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तारीख में मुसलमानों का इतना वोट कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जितना उनको मिला, तो भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अब उनके ही विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। वहीं ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि आप सभी पश्चिम बंगाल जाकर मुसलमानों का सोशल और शैक्षिक स्तर देखाइए, मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं की उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बनाकर जल गई है। मालदा मुर्शिदाबाद के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा WHO के तय मानक से भी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी की पार्टी के ही मुख्यमंत्री जीबी पंत के समय में ही बाबरी मस्जिद का मसला शुरू नहीं हुआ, क्या ताले उस समय नहीं खोले गए जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, इनकी ही सरकार में 1986 में 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई। वही मायावती को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे इन तीनों से ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं, वो जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने दलितों को पहचान और राजनीतिक ताकत दिलाई, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने भी कुछ चीजों पर साफ स्टैंड नहीं लिया, इसलिए वे आज कमजोर हैं। जिस दिन वे साफ स्टैंड लेंगी उत्तर प्रदेश में उनको फायदा होगा। एक बार फिर से बता दें कि देश की अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर मुसलमानों को लेकर राजनीति नई नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल खुद को उनका हमदर्द बताते रहते हैं, लेकिन इन सभी दलों में असली हमदर्द कौन है, इसे लेकर एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राय अलग है। ओवैसी का मानना है कि सभी दलों ने मिलकर अल्पसंख्यकों का बंटाधार किया है। एक कार्यक्रम में जब हैदराबाद सांसद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तथा मायावती में अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है, इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि सभी ने अल्पसंख्यक समाज का बस बेड़ा गर्क किया है।